ए ए आगे आगे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी यू क्यू आई आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसको ना डब्ल्यू बोलना नहीं आता, बाकी सब बोल लेता है। एम एन ओ ओ ओ ओ एन ओ एम एम एन एन ओ वाई डैड। मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि विहान ना ए से लेकर जेड तक पूरा दिन, मैं कभी किसी दिन शूट कर लूंगी, कहीं मेरे को पता याद नहीं रहता शूट करना, ये जब बोल रहा होता है ए से लेकर जेड तक पूरी अल्फाबेट एक साथ सुना देता है, बस एक डब्ल्यू खा जाता है, डब्ल्यू इसको बोलना नहीं आता, बाकी सब पूरा सीक्वेंस में याद है इसको। और मैंने कभी इसको ए बी सी डी नहीं सिखाई, मैं खुद हैरान, एक दिन बैठा बैठा सारी ए बी सी डी मेरे को आके सुना दी, मैं सोचा यार किसने कहाँ से सीख ली। एक्चुअली पता है क्या, ये मोबाइल चलाता है, मोबाइल में क्या करता है ये पोइम्स चलाता है, पोइम्स देखता है, कहीं मैं टीवी पे भी मैं पोइम्स चला देती हूँ, उसमें वो नहीं था ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सी फॉर कैट, तो वो चीजें देख देख के अपने आप इसको आ गया, अपने आप सीख गया। ये एक्चुअली मेरा दिन का शूट था और ये मेरा सुबह का है, मैं सुबह सो के उठी थी ना तो बस ब्रश कर रही थी, और देख लीजिए सुबह सो के उठते हैं तो सबका हाल एक जैसा ही होता है, बाल बाल बिल्कुल बिखर जाते हैं, पूरा चेहरे की 12 बजी होती है। और ये देखिए मैं जाके ब्रश कर लेती हूँ, और फिर मैंने इसको भी हान को भी नहला दिया था सुबह सुबह, कपड़े पहना दिए। ये वाला जो आपको टॉप दिख रहा है ना, मेरा 6 साल पुराना है, आज से 6 साल पुराना है, और देखो नया का नया रखा है, मैं कहा चलो पहन ही लेते हैं आज, चलो मम्मा नई नई करके आएगी। एक्चुअली ना काफ़ी खुशी मिलती है ना जब आपका बच्चा ए बी सी डी मतलब कुछ सीखता है, नया सीखता है, अच्छा लगता है। और यहाँ मैं पोहा बना रही हूँ, पोहा बनाने के लिए देखिए मैंने आलू की कटिंग करी है, प्याज और टमाटर, क्योंकि जो मुझे पोहा पसंद है वो टमाटर वाला पसंद है, और विहान भी पसंद नहीं करता, मीन्स वैसे ना टमाटर कई लोग पोहे में डालते हैं कई लोग नहीं ऐड करते, बट मुझे तो टमाटर वाला ही पोहा अच्छा लगता है, मतलब सूखा सूखा सा लगता है मुझे, बिना टमाटर वाला जो पोहा होता है ना ड्राई ड्राई सा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, पोहे को एक बार पानी में से निकाल दिया, बस इसको धोना होता है पानी में से, इसमें इसको पानी में ना रखना नहीं होता पोहे को, ऐसे आप करोगे ना तो पूरा पोहा गल जाएगा। तो अभी मैं फटाफट क्या कर रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं पोहे में ऐड करूँगी वो मैं एक साथ एक जगह रख रही हूँ, तो मैं ज़्यादा मसाले डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मैंने देखी सबसे पहले तेल, जैसे ही सरसों का तेल में मैं बना रही हूँ, सरसों का तेल जैसे ही गर्म हुआ तो इसमें मैंने आलू और प्याज को हल्का हल्का सा थोड़ा सा भून लिया, और ये देखिए इसका कच्चापन चला गया, तो इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैंने बेसिक जो 3 मसाले हैं वो मैं ऐड कर दूंगी, किचन किंग भी मैंने ऐड नहीं किया। उसके बाद मैंने देखी इसमें पोहा ऐड कर दिया है, पोहा ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से घुमा दूंगी, थोड़ा सा चला दूंगी ताकि इसको अच्छे से सिक जाए पोहा, और थोड़ा सा इसमें ना टमाटर का और सारे मसालों का टेस्ट अच्छे से आ जाए। तो इसके बाद ये देखिए मैंने कैसरोल के डब्बे में रख दिया ताकि गर्म रहे ठंडा ना, और मैंने थोड़ा सा पोहा मैंने निकाला है विहान के लिए और मेरे लिए, तो मैं थोड़ा ही खाती हूँ, विहान भी थोड़ा ही खाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं टोमेटो सॉस का एक पाउच रखा हुआ था, मैं इसको निकालूंगी क्योंकि विहान क्या है ना ऐसे नहीं खाता कुछ भी, वो चूजी है, तो थोड़े बहुत चम्मच तो खा ही लेगा, 4-5-6 चम्मच इतना भी खा ले तो बहुत है। और यहाँ पे देखिए मैं बैठी हूँ, और पीछे देखो ये जो आपको वॉलपेपर दिख रहा है ये पीछे उड़ने लग रहा है, तो ये विहान ने कर दिया। एक्चुअली उसका हाथ पहुँचता है ना तो ये बेड पे खड़ा हो जाता है और वॉलपेपर खींचता रहता है, मतलब ये चीज़ तो मैंने सोची ही नहीं थी, मैंने इतने पैसे भी लगा दिए थे यहाँ वॉलपेपर में, और सब किसी को पसंद भी नहीं आया था, कह रहे थे वॉलपेपर ना हल्के कलर का लगवाना चाहिए था, पसंद नहीं आया। फिर देखिए उस टाइम अच्छा
लग रहा था, जब दिखाते हैं ना कंप्यूटर पे तो अच्छा लग रहा था, और लगने के बाद वैसे मुझे ना पसंद भी आ रहा था। लेकिन पता क्या होता है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना हमें कुछ महीने अच्छी लगती हैं, कुछ एक साल डेढ़ साल बाद हम खुद ही बोर हो जाते हैं। तो ना वैसे ना बेसिक जो होता है ना, सिंपल रखते हैं ना जब हम दीवारों को, वो भी अच्छी ही लगती हैं। तो अब तो देखिए मैंने लगाया है वॉलपेपर, मैं इसको निकालूंगी नहीं जब तक ये खुद से ख़राब नहीं हो जाता, क्योंकि देखो पैसे लग रहे हैं, मेहनत से कमाए जाते हैं, 20,000 रुपये थोड़े नहीं होते, तो इसे लगे रहने देंगे। और ये जो निकल गया था इसको मैं थोड़ा सा ना गोंद लगा के चिपका दूंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये बेडशीट ना तय कर दी थी, सुबह की बेसिक सफाई मैं करने लग रही थी, और मेरी मम्मी ने देखिए रसोई में जाके बेसन की, क्योंकि विहान को बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मा बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी कर रही है। इतने मैं क्या कर रही हूँ, बेड को अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो ये देखिए मम्मा ने बेसन की, मैंने एक्चुअली ना शूट लिया नहीं, वरना मैं आपको दिखा भी देती कि ये बेसन की मिठाई कैसे बनती है। बट कुछ नहीं होता, घी होता है ना, उसमें बेसन भून लो, और बेसन जब अच्छे से भून जाए तो उसमें थोड़ा सा मीठा वगैरह ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो, कुछ कुछ इसी तरीके से बनता है। काफ़ी टाइम हो गए बनाई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी लड्डू बना रहे थे, मैं बोलती मम्मा लड्डू नहीं, इसको ना थोड़ा पीस में काटो, पीस वाली जो मिठाई होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ इतने मैंने बेड झाड़ दिया था, और यहाँ पे मम्मी से ना कटिंग हो नहीं रही थी सही से, तो मैंने मम्मा से चाकू लिया और मैंने कहा लाओ मम्मी मैं फटाफट कटिंग कर देती हूँ। तो ये देखिए इसके पीस निकाल दूंगी मैं, और ये ठंडा होने के बाद विहान बहुत पसंद करता है बेसन के लड्डू, खा लेता है, तो ठीक है थोड़ी ताकत आएगी। इतने मम्मी ने क्या किया, बर्तन धो दिए थे और पापा जी भी आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो सुबह सुबह देखिए घर में कितनी अच्छी हमारे घर में चहल पहल हो रखी है। ये दूसरे वाले घर में आई हूँ, एक्चुअली ना पापा जी जब साथ वाले घर में चले जाते हैं तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ काम करवाने के लिए। और आज अभी देखिए मैंने कानों में कुछ भी नहीं पहना हुआ, बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी में ना, बस मैंने क्या होता है ना नहा ली, नहाने के बाद मैंने सुबह से अभी तक बालों में कंघी तक नहीं करी है। देखो बाल पूरे उलझे हुए हैं, और अभी करूंगी भी नहीं, पहले एक बार थोड़ा सा मैं काम कर लूं उसके बाद करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और देखिए यहाँ पे क्या था, अभी मैंने कूलर बंद कर दिया, ये स्कूबी ना कूलर के नीचे यहीं पर ही सोता है, मतलब पापा जी यहाँ लेटे रहेंगे, ये स्कूबी यहाँ। तो अभी पापा जी नहीं है ना, तो मैं थोड़ा बिस्तरा बना देती हूँ, क्योंकि पापा जी यहाँ इस कमरे में रहते हैं पूरा दिन, और इस कमरे की तो बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रखी, तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सेट कर देते हैं फटाफट लग के। एक्चुअली ना सफाई तो पहले भी हो जाती, लेकिन ना मतलब पापा जी लेटे होते थे ना बेड पे, फिर अच्छा नहीं लगता, मैं उनको कहूँ पापा जी उठ जाओ मुझे काम करना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पापा जी को लेटे रहने देती हैं। ये कुछ बैग्स ही रखे हुए थे, अब इनको तो हम पीछे वाले स्टोर रूम में सेटल कर देंगे। तो मैं पहले सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं यहाँ का ना बिस्तरा झाड़ती हूँ। तो आप भी बोलोगे कि ना ये मतलब मुझे कुछ खरीदनी है, ख़रीदारी अब करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब दो घर हो जाते हैं तो उस हिसाब से सामान भी डबल हो जाता है। अब मेरे पास ना दीवान भी, देखो मेरे उस घर में भी छोटा दीवान है, यहाँ पर भी दीवान है, और मेरे पास दीवान शीट बिल्कुल भी नहीं है, गिनती की 2 या 3 है। तो ये इतने दिनों से जब भी आप देखोगे ना, आप यही कहोगे कि 1 महीने से हम देख रहे हैं यही 2 या 2 बेडशीट है जो आप बिछाते रहते हो। तो मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि ले आएंगे अब दिवाली पे खरीदूंगी मैं, शॉपिंग करूंगी। और ये मत सोचिएगा कि दिवाली पे सस्ता मिलता है सामान तो मैं खरीदती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दुकान से ही जाके खरीदती हूँ। बट होता है ना कि एक शौक सा हो जाता है कि चलो दिवाली पे हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं घर पर, है ना, अच्छा लगता है, तो इस बस यही रीज़न है। चलो इन बैग को मैं पीछे रख देती हूँ। ये देखो आप, पहले तो इस कमरे में ना अभी तक ये फ्रिज कहीं सेट भी नहीं किया, बस ऐसे ही रखा हुआ है पता ही नहीं कहाँ, और अभी बस पूछो मतलब समझ ही नहीं, अभी सोचेंगे कहाँ रखना है कहाँ नहीं। और अभी लाइट चली गई इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है। आपको मैं अपने पापा जी का रूम दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। तो ये बिस्तर है पापा जी का जो मैंने बना दिया है, बस तकिया है, यहाँ स्कूबी लेटा हुआ है, यहाँ एक कूलर है जो रात को चला के सोते हैं, मतलब इस कमरे में पापा जी यहाँ कूलर चला लेते हैं, ठंडी हवा आती है वैसे ठीक है कमरे में। तो यहाँ बिस्तर है पापा जी का, और ये सामान धीरे धीरे अभी मैं कर रही हूँ शिफ्ट जैसा समझ आ रहा है। और ये देखिए पीछे जो स्टोर रूम हमारा है, इसमें मैंने ये सारा सामान रख दिया है। मुझे कमेंट्स भी आए थे कि ये जो टाइल्स रखी हुई है ना, इनको आप यहाँ रख दो, तो ये आइडिया भी सही है। एक बार ये बंद हो जाए इसके लिए मुझे बॉक्स लाना पड़ेगा। तो ये देखिए, आप सोचोगे गठड़ियाँ ये बैग वैग यहाँ स्टोर रूम में ऐसे रख रखा है, एक्चुअली क्या है ना, अभी स्टोरेज के लिए मैं एक पेटी लेकर आऊँगी। देखो लाइट भी आ गई, तो जैसे ही ये पेटी आएगी ना, तो उसमें सारे अच्छे कपड़े हैं तय कर करके अच्छे से एक जगह कोने में रखा जाएगा, तो ये सारा सामान हट जाएगा। फिर एक बार के लिए यहाँ पे रख दिया, ये भी ठीक है, पीछे रख दिया, कम से कम कमरे तो मतलब पूरे खाली हो जाएंगे।
तो लाइट आते ही देखिए कितनी रोशनी हो गई है। अब दिखा देती हूँ चलिए कमरा दोबारा से। तो ये देखिए ये है हमारे पापा जी का रूम, अभी पूरा और अच्छे से सेट करेंगे धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। और मुझे बताइएगा कि एसी जो अब आएगा, जब भी आएगा, कौन से कमरे में लगवाएं, फ्रंट में? मैं तो सोच रही हूँ आगे वाले रूम में लगवा लें, चलो पीछे भी हवा आ जाया करेगी, क्योंकि आगे वाला रूम बड़ा है और आगे रसोई भी है, तो ठंडी ठंडक सी रहेगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे फोल्डिंग बिछा लो या कुछ भी हो कर लेंगे वो तो एडजस्ट। तो मेरे को लग रहा है आगे वाले रूम में लगवा दूंगी एसी, पीछे वाले रूम में हम नहीं लगवाएंगे। बाकी आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, आएगा तो आपको दिखाऊंगी। और पापा जी और को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उनको मैंने कुछ नहीं बताया हुआ कि मतलब आने वाला है एसी, शायद आज की डेट में आ जाए। आएगा तो उनको बहुत ही बड़ा सा अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा, और मम्मी पापा जी के फेस की हम फिर स्माइल देखेंगे जब भी आएगा, ठीक है ना। तो इस घर को पूरा सेट करके बढ़िया तरीके से बना के देना है, ऐसे नहीं है चलता काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे काम होगा, अच्छा काम करेंगे। और इस बेड के लिए ना गद्दे लाऊंगी मैं, अच्छे गद्दे लाऊंगी, लेकिन जब पैसे होंगे, क्योंकि देखिए मैं अच्छे 7-8 हज़ार रुपये तक का जो अच्छा गद्दा होता है ना, मैं वही खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़े से सस्ते गद्दे खरीद लिए, सस्ते भी नहीं कहूँगी उनको और महंगे भी नहीं कहूँगी, जैसे 2500 रुपए के गद्दे थे जो मैंने अभी खरीदे हैं, बट वो ना थोड़ा थोड़ा ना दब जाते हैं धीरे धीरे। तो अभी के लिए तो ठीक है, विहान बाथरूम वोथरूम करता है, तो 2-3 साल भी चल गए, 2 साल भी चल गए, तो उनको डिस्कार्ड करके अच्छे गद्दे जो होते हैं पैसे महंगे वाले वो ले आएंगे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके। अभी तो बच्चा छोटा है, चलने दो जैसे चल रहा है, ये चीज़ हो जाती है। तो ठीक है जी, बताइएगा क्या क्या इम्प्रूवमेंट इस घर में करनी है, करेंगे। बट इस वीडियो को हम यही एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।